एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो काफ़ी टाइम के बाद हम माइनक्राफ्ट खेलने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता लग गया होगा कि इसका जो 1.20 अपडेट है वो रिलीज़ हो चुका है। हालांकि काफ़ी बंदों ने इसके स्नैपशॉट खेल लिए होंगे, जिन्होंने नहीं खेले हैं उन्होंने वीडियोज़ वगैरह देख ली होगी, तो उनको पता लग गया होगा कि गेम में क्या क्या चेंजेस आने वाली है, क्या क्या चीज़ें हमें नई देखने को मिलने वाली है। लेकिन मैंने इसका स्नैपशॉट नहीं खेला था। हाँ, अभी मैंने इसकी थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह देखी तो मुझे पता लगा कि इसमें काफ़ी सारी चेंजेस आ रही है। नया बायोम ऐड हो रहा है, इसमें एक नया मॉब आ रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें और भी ऐड हो रही है। तो मैंने सोचा चलो अब इसका जब ये रिलीज़ होगी तभी खेलेंगे, और फाइनली ये कल रिलीज़ हो चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम वापस से अपने पुराने वर्ल्ड में जाने वाले हैं, जो कि काफ़ी मेहनत से हमने बनाया है, काफ़ी टाइम लगा उसको बनाने में। तो फटाफट चलते हैं, और आज तो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी है, लेकिन जितना हो सकता है हम उतना एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हम आ चुके हैं अपने वर्ल्ड में। मैडम, मेरा लाइटर चेंज सा लग रहा है क्या? और हाँ, अब इसमें आर्मर्स भी नए वाले आर्मर्स ऐड कर रहे हैं, मतलब ऐड नहीं करें, हम खुद क्राफ्ट कर सकते हैं उनको, आर्मर ट्रिम्स ऐड करें जिनको हमें ढूंढना पड़ेगा, और उनको ढूंढ के ना हम उनसे जो अपने आर्मर्स है उनको अपग्रेड कर सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं। बस देखने में बढ़िया लगेंगे वो, बाकी और कोई इसमें चेंजेस आएंगे नहीं, बट जो भी हो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एक बार मैं आपको अपना जो कासल है वो दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हमें अपने कासल के दर्शन हो रहे हैं। भाई वो देखो क्या मस्त कासल है भाई अपना, का ही ज़बरदस्त लग रहा है। अपने वर्ल्ड में आ गया ना भाई, मज़ा सा आ रहा है यार सही में, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम आए नहीं थे अपने वर्ल्ड में। और आपको पता है कि अब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से डिलीट भी हो चुकी है मेरे वर्ल्ड में से भाई, काफ़ी सारी ही चीज़ें, काफ़ी मेहनत मेरी बेकार चल गई थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज ना जो वो होता है ना डेजर्ट पिरामिड, तो मैं वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे भी जो वो दूसरी वाली सैंड आई है ना स्पीशियस सैंड, तो उसको मैं ढूंढूंगा, तो उसमें से भी हमें थोड़ी बहुत जो आइटम्स है ना वो देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ जो ओशन मोन्यूमेंट वगैरह हैं, ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ना, वहाँ पर हमें जो स्निफर का एग है ना वो मिल सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज अपने वर्ल्ड में स्निफर को लाया जाए, ठीक है, उसका एग लेके आया जाए। मैं पहली बार ऐसा हो रहा है किसी मॉब का एग हमें मिलेगा, नहीं तो हमें उसको टेम करके लाना पड़ता था, लेकिन भाई इसको हमें वैसे ही लेके आना पड़ेगा। तो अभी ये काम करता हूँ मैं, सबसे पहले ना रुको, मैं बस रॉकेट कितने हैं, 62 और 64 35, इतने रॉकेट काफ़ी रहेंगे क्या? बहुत रहेंगे, लेकिन उससे पहले रुको यार एक मिनट, मैं सबसे पहले ना इसमें अपना सामान रख देता हूँ जो कि काम का नहीं है ना, ये गोल्ड वगैरह, ठीक है, रख देते हैं, पेपर रख देते हैं, और शल्कर बॉक्स, शल्कर बॉक्स भी वैसे क्या क्या पड़ा है इसमें देख लो, इसमें भी बेकार की चीज़ें, इसमें भी बेकार की चीज़ें, अभी कोई काम नहीं है अपना इनसे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही चलते हैं, ठीक है, मैं और कुछ ले जाऊँ, एक मिनट रुको, इसको यहाँ रखता हूँ मैं, अपना काफी केबल आएगा यहाँ पे, ये वाली पिकअप्स यहीं पर रहने देते हैं, और ये वाला बो रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब यहाँ से निकलते हैं, सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा डेजर्ट पिरामिड्स ढूंढने ना, तो अपने इधर कुछ डेजर्ट पिरामिड्स हैं तो, लेकिन उनको मैंने लूट रखा है यार, मैंने उनको लूटा हुआ है। और अब हम बैम्बू से भी ना काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, एक मिनट रुको, मैं बैम्बू वैसे अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारा बैम्बू है, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं से ना थोड़े बहुत तोड़ के, ठीक है, बाद में हम लगा ही सकते हैं उनको। ये देखो भाई, ये रेसिपी खुल गई ना, तो ये वाली रेसिपी मैं देखता हूँ कि कितनी सारी चीज़ें हम इसमें बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं, ये इसको भी तोड़ ही देते हैं यहाँ से, ओके। उसके बाद मैं बोन मिल्स है ना, इनको फटाफट से बड़ा कर दूँगा, वैसे भी काफ़ी सारे बैम्बूस हैं अपने, पांडा मस्त भाई लेटे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त आराम से यहाँ पे ऐश कर रहे हैं, इनके लिए तो जगह काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट बन गई है ये, मतलब बना दिया हमने, बनी नहीं अपने आप, हमने बनाई है। चल हट जा बच्चू, मैं तो भाई गलती से एक्स ना लग जाए, ये सारा मैं लूट लेता हूँ, ठीक है, और ये खाने भी लग गया, एक मिनट रुक भाई, ये वापस कर देने तो सारे खा जाएंगे, बड़े भूखड़ है भाई ये पांडा, मुझे भूख लग चुकी है, भूख का नाम लेते ही फटाफट से मैं भी थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं देखता हूँ कि इससे मैं क्या क्या बना सकता हूँ, अपना क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं यहाँ पे, और देखो ये रेसिपी खुली है, ब्लॉक ऑफ बैम्बू बना सकते हैं हम, तो एक मैं बना लेता हूँ, उसके बाद मैं ये बना सकता हूँ ब्लॉक ऑफ पिगमेंट, बैम्बू प्लैंक्स बना सकता हूँ मैं, अच्छा इनकी वजह से मैं प्लैंक्स बना सकता हूँ, एक तरह से ये वुड वाला काम कर रहा है भाई, तो मैं स्टेयर्स वगैरह बना सकूँ क्या इसके? देखो मैं जितने बैम्बू के ब्लॉक बनते हैं ना सारे बना लेता हूँ, ठीक है, 8-9 बन चुके हैं, अब मैं इनसे बैम्बू के प्लैंक वैसे कहाँ यूज़ करूँगा मैं इसको, यूज़ करने के लिए बैम्बू मैं कहाँ यूज़ करूँ, रुको एक काम करते हैं, बैम्बू के डोर बना सकता हूँ क्या मैं, एक सेकेंड, मैं बैम्बू के डोर बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे डोर लगा, ऐसा डोर यहाँ पे खास इतना बड़ा डोर कहाँ से आएगा,
मैं काम करता हूँ, यहाँ से चलते हैं अंदर, ठीक है। और एक जगह मुझे पता जहाँ पे मैं डोर लगा सकता हूँ, ठीक है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा बस यहाँ पे। यहाँ पे जो अपना फूड वाला स्टोरेज है ना, स्टोरेज नहीं सॉरी, जो अपना ये सिस्टम बना रखा है ना मैंने, यहाँ पे एक मिनट नीचे गया, अबे यार नीचे मॉब्स है, छोड़ो उनको। अभी देखो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक डोर लगा दूँ, देखो यहाँ पे एक डोर लग जाएगा ना, तो मैं एक बार देख लेता हूँ बैम्बू से मैं डोर बना सकता हूँ। एक मिनट, अरे कुछ बना तो था यार, वेट, पहले मैं यहाँ से चार लेता हूँ, चार से प्लैंक्स बनाते हैं। ये देखो ये बन तो रहा है बैम्बू डोर, और बैम्बू बटन बन रहा है, बैम्बू स्टेयर्स सब कुछ बनेगा भाई, बैम्बू ट्रैप डोर भी बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ना डोर बना लेता हूँ, तीन डोर रख लेते हैं अपने पास, उसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पे एक डोर। हाँ भाई मस्त है यार, इसके ऊपर लग जाएगा, नहीं ऊपर तो जगह ही नहीं है भाई, मस्त लग रहा है यार देखो, क्या बात है, देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भाई बैम्बू डोर। चलो अब यहाँ से निकला जाए, एक डोर मैं यहीं पर लगा देता हूँ, ऐसे भी डोर का और कोई कहीं काम तो है नहीं, एक डोर लग जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। एक डोर ये हो गया, अब सेकेंड यहाँ पे चढ़ने के लिए वो वाला तो चक्कर नहीं, यहाँ से जम कर कैसे चढ़ देंगे, इसको बंद कर देते हैं और अब यहाँ से निकला जाए। और डोर वगैरह पता नहीं अब मैं कहाँ लगाऊँ, क्योंकि अपनी डोर लगाने की जगह मुझे पता नहीं लग गई। चलो छोड़ो अभी ये काम करते हैं, बैम्बू का काम तो हो गया, बस बैम्बू से हम यही चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। अभी के लिए मैं बैम्बू बम्बू का सबको काम उसको तोड़ दो सबसे पहले, इनको मैं इसी में डाल देता हूँ, ठीक है, इस बैम्बू को भी डाल देते हैं। और अब यहाँ से निकलते हैं, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ डेजर्ट पिरामिड्स ढूंढने, ठीक है, वहाँ पे जो सस्पिशियस सैंड मिलेगी ना, क्या पता भाई हमें वहीं से जो स्निफर का एग है ना वो मिल जाए, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। वैसे यहाँ के तो मैं सोच रहा हूँ कहीं और जाऊँगा यार, ये वाला डेजर्ट छोड़ते हैं हम, लेकिन और डेजर्ट उधर चलेगा, उधर बैडलैंड है यार, बैडलैंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इधर ही चलते हैं हम, यहाँ से ना इधर चलते हैं। तो मैं काम करता हूँ यहीं से, थोड़ी सी वुड ले लेते हैं हम, और कैमल भी मैं यहीं से ले ही जाऊँगा यार, कैमल को भी हम यहीं से लेके जाएंगे, और तो थोड़ी सी वुड ले लेते हैं। ओके, और अब एक काम करते हैं, अब इनकी मदद से ना मैं बना लेता हूँ थोड़ा, एक ही बस क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं, और अब मैं देखता हूँ कि वो कैसे बना सकता हूँ मैं ब्रश, ठीक है। यहाँ पे ब्रश क्या कहते हैं उसको, कहते क्या भाई इसको, या तो शेयर से अपने वो ब्रश क्या है भाई, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, यहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद ये क्या है, ये तो साइन है। ओके, तो अभी मैं देख के आ चुका हूँ कि आखिरकार ब्रश बनता कैसे है, तो भाई उसके लिए मुझे वापस अपने कास्टल जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए ना मुझे एक फैदर चाहिए, एक स्टिक चाहिए, स्टिक तो मिल जाएगी, और एक मुझे कॉपर चाहिए, कॉपर का इंगट चाहिए मुझे, तो यार वो तो मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मैं वापस निकलता हूँ अभी अपने कासल, ठीक है, वहाँ जाके ना हम एक कॉपर लेके आते हैं, कॉपर का इंगट लेके आते हैं। मीटिंग में रॉ कॉपर पड़ा मेरे पास, बहुत बढ़िया, तो इस रॉ कॉपर को ना चल के थोड़ा सा पका लेते हैं। यहाँ पे अपने पास फर्नेस में कोल वगैरह पड़ा है क्या, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ ये पड़ा, ठीक है, कोल इसको निकाल लेते हैं, कॉपर इसमें डाल देते हैं। और अभी मैं काम करता हूँ सबसे पहले ये ग्रीन डाई का भी कोई काम नहीं है, ये ग्रीन डाई को भाई मैं डाल देता हूँ इसमें, ले भाई तो इसमें जा। एक मैं यार एक मिनट रुको, एक मैं ये भी ले लेता हूँ, टोटम ऑफ अंडाई, एक क्या दो ले लेते हैं भाई, दो काम आएगी अपने, वैसे भी अपने पास काफ़ी सारी टोटम ऑफ अंडाइंग पड़ी है। और अब मैं देखता हूँ कि ये पक चुका है या फिर नहीं, ठीक है, दो रेडी हो चुके हैं, मुझे एक ही चाहिए, दो ले लेता हूँ ना, क्या पता ब्रश टूट गया, ठीक है, तो हम और ब्रश बना लेंगे, तीन ले लेते हैं, तीन बहुत है। और अब मुझे चाहिए फैदर मेरे पास, यार फैदर तो मुझे लग रहा है होंगे नहीं, क्योंकि मुर्गी को मार के भाई उसका फैदर तो लेते नहीं, मुझे लग रहा है कि फैदर मुझे ढूंढ कर लाना पड़ेगा, मतलब मुर्गी मारनी पड़ेगी, नहीं भाई मुझे नहीं लग रहा फैदर है मेरे पास, चलो लेके आते कोई चक्कर नहीं। बाहर एक आध मुर्गी भाई, अपने पास मुर्गियाँ काफ़ी सारी है यार उधर, ठीक है, मैं एक दो को पलटा गया ना, ठीक है भाई उनसे उनका फैदर ले लेंगे। जैसे यहाँ पे अपने पास ये अपना फार्म है ना, चिकन कूप फार्म नहीं, तो यहाँ पे अपने को देखो काफ़ी सारी मुर्गियाँ पड़ी है। एक काम करते हैं, पहले इनके अंडे ले लेते हैं, अंडे लाओ भाई अपने, और यहाँ पे पड़े अंडे, और अब इन अंडों में से देखते हैं बच्चे निकलते हैं या फिर नहीं। आ जाओ, एक आया, एक भी और भी नहीं आए। अब मैं एक मुर्गी को मारूंगा, ये बाहर कट रखी है ना, इसकी पिटाई कर देते हैं, और अब निकले यहाँ से बाहर। और अब एक ही मिला यार, चलो एक ये रखते हैं, एक मिनट, पहले मैं स्टिक्स बना लेता हूँ, ये ऊपर रखा, ये यहाँ रखा, और एक यहाँ, ये ऊपर नीचे आएगा। एक मिनट, ये क्या है, कैसे बनेगा, अच्छा ऐसे बनेगा, ऊपर फैदर, नीचे बीच में कॉपर का इंगट, और नीचे स्टिक,
ठीक है, एक कॉपर का ब्रश मैंने बना लिया और अब चलते हैं वापस। ठीक है, अब उसी जगह पर चलते हैं। चार चिकन मुझे मिल गए भाई, चलो बाद में काम आएंगे अपने खाने के। बट अभी मैं उसी वाले टेम्पल पर निकलता हूँ, ठीक है, और वहाँ से ना फिर देखते हैं कि हमें क्या आइटम वहाँ पे मिलने वाला है। डेजर्ट बायोम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे ना मुझे एक ये वाला स्ट्रक्चर नज़र आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें ना मुझे कुछ ना कुछ मिल सकता है। एक मिनट, पहले इन ड्राउंड्स को मारना पड़ेगा। ये ले, हाँ ट्राइडेंट वाला भी है भाई एक। एक मिनट, पहले इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो ये ट्राइडेंट दे देते ना। अबे कहाँ है ट्राइडेंट वाला? वेट, कहाँ से मार रहे हैं? तो पीछे है उसके, ये रहा नीचे। पहले इसके देता हूँ, रुक चाप ले, रुक ले, इनको पहले ख़त्म करो, इन्हें तो बाद में दिक्कत नहीं है। ट्राइडेंट ड्रॉप करा क्या उसने? ये ले। अबे कितने निकल रहे भाई? अबे भाई 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 कुछ ज़्यादा ही है तो यहाँ पे यार, एक के बाद एक तो आ ही जा रहे। ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, मेरी सांस फूल रही है। जल्दी 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 चल ऊपर। अबे ऊपर चल भाई, रुको रुको रुको, अब मुझे फटाफट से यहाँ से लूट के निकलना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पीछे नहीं छोड़ेंगे। इसके अंदर कुछ पड़ा है क्या? चल 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 नीचे। अरे यार यहाँ पे चेस्ट ही नहीं है। वाह, यहाँ पे चेस्ट ही नहीं है, एक भी चेस्ट नहीं है। रुको अब इस वाले में देख लेते, बड़े वाले में। यहाँ पे क्या पता मुझे एक चेस्ट मिल जाए। ये री चेस्ट, अबे यार फ्रॉस्ट वॉकर पड़ी है। ये नहीं कि भाई स्निफर का एग दे दे। एक चेस्ट यहाँ पे भी है, शुक्र है। अरे लेकिन ये खुलेगी नहीं यार, यहाँ पे वो रखा ना। नहीं खुल तो जाएगी, क्या हुआ? एक सेकेंड, मैं अंदर क्यों नहीं घुस पा रहा? यहाँ से ऊपर से चलते हैं। इसमें भी बेकार ही सामान पड़ा भाई, कुछ खास सामान है ही नहीं यार। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मैं पहले इसको लूटूंगा भाई। इसमें तो कम से कम मुझे एक ना एक चीज़ मिल जानी चाहिए। दे दो भाई कुछ ना कुछ। ये क्या दे रहे हो यार? गोट हॉर्न दे रहे हो क्या? नकली चीज़ें दे रहे हो तुम भी, कोई ढंग की चीज़ दो। एरो इंचेंटेड, ये क्या इंचेंटिंग बॉटल, क्या करूँ मैं? ये ले भाई, तू ये फोड़ ही देता हूँ इसको मैं। एक काम करें, एक बार और सो ही जाता हूँ मैं, क्योंकि भाई अब मुझे दूसरा जो डेजर्ट पिरामिड है ना वो ढूंढना पड़ेगा। तो तोड़ो यहाँ से, चलते हैं अब सीधा दोबारा थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, तो अभी भाई मैं डेजर्ट टेम्पल ढूंढ रहा था, लेकिन देखो क्या मिल गया मुझे भाई, एक चेरी बायोम। लेकिन ये काफ़ी छोटा नहीं है यार? जो भी हो मिला तो मुझे, लेकिन ये काफ़ी छोटे वाला मिला है। लेकिन भाई क्या मस्त पेड़ है भाई इसके, और देखो क्या मस्त पेड़ है इसके। चलो शुक्र है भाई, कम से कम इतनी देर तक भटकने के बाद कुछ ना कुछ अच्छा तो मिल ही गया मुझे। जो हमने चीज़ ढूंढनी थी वो तो मिल ही चुकी है। और अभी यहाँ से इसके देखो ये क्या कहते हैं इनको, इनको एक मिनट रुको, इनको तोड़ने के लिए यार वो होना चाहिए ना। इसको तोड़ सकता हूँ क्या मैं? एक मिनट, मैं इनको तोड़ सकता हूँ, कलेक्ट भी हो रहे हैं। इसकी जगह मैं क्या गिरूँ? ये गिर दो। ये देखो ये क्या है, पिंक पेटल्स। इससे मैं डाई बना सकता हूँ। अच्छा, इससे पिंक डाई बना सकता हूँ मैं, लेकिन अभी मुझे बनानी नहीं है। इसको मैं वापस लगा सकता हूँ क्या? हाँ लगा सकता हूँ मैं तो इनको भाई। ये अपने कासल में ना थोड़ी सी डेकोरेशन करने के काम आएगा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़े से ना यहाँ से जो ट्रीज़ है ना वही तोड़ लेता हूँ, क्योंकि ले यार सबसे पहले सो जाओ, सबसे पहले सो जाओ, नीचे ज़ोंबीज़ की आवाज़ आ रही है मुझे, वो दिक्कत देंगे। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी फटाफट से मैं थोड़े से ट्रीज़ यहाँ से, थोड़े से ट्रीज़ क्या, मैं बस आयरन भी नहीं है मेरे पास जिससे मैं थोड़े से ये लीव्स इकट्ठे कर लेता। बट चलो कोई बात नहीं, हम ये इकट्ठे कर लेते हैं। ये कलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? मैं सोचूं भाई रेसिपी क्यों नहीं खुल रही मेरी। इसकी जगह मैं गेर देता हूँ, ये गेर देते हैं। ठीक है, तो इससे भी देखो मैं काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें बना सकता हूँ, जैसे कि इससे हम बना सकते हैं। इसको पहले बंद करो। इसके जब मैं ये बनाऊँगा ना, स्टिक्स नहीं, क्राफ्टिंग टेबल नहीं, इससे हम क्या बना सकते हैं? और इसके मैं डोर वगैरह भी सब बना सकता हूँ, तो इसके लिए काम करते हैं। इसके लिए अपना क्राफ्टिंग टेबल रखना पड़ेगा, और यहाँ इसको रखते हैं। देखो ये साइन भी बन रहा है इसका। एक मिनट, और कुछ बढ़िया सी चीज़ नहीं। इसके डोर नहीं बनते क्या? डोर बनते तो हैं भाई, इसके डोर काफ़ी मस्त लग रहे हैं। मैं थोड़े से एक काम करता हूँ, मुझे थोड़े से बस वो चाहिए, सैपलिंग्स चाहिए इसके। तो एक पेड़ मैं काट देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे उसकी सैपलिंग्स मिल जाए। ये तो मुझे सीधा लीव्स मिलेंगे ना, क्योंकि मेरे वो लग रखा है उसके ऊपर, सिल्क टच लगाया ना। एक मिनट रुको, वापस कलेक्ट नहीं हो रहे, इसको इसमें डाल देता हूँ ना। ठीक है, इनको मैं फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ। और अब एक काम करते हैं यार, ये बहुत ही छोटे वाला है, ये दूसरा बड़े वाला बायोम मुझे मिला नहीं इसका। बट चलो कोई नहीं, अभी इसके लीव्स वगैरह
मुझे सबसे पहले जो ऊपर वाले भी है ना उनको तोड़ना पड़ेगा, ताकि ये धीरे धीरे करके डिस्पॉन होते रहे और मुझे फिर इनके जो ये है ना सैपलिंग्स है मुझे वो मिल जाए। देखो जैसे ही डिस्पॉन होने स्टार्ट हो चुके हैं, बस मुझे इनकी सैपलिंग्स चाहिए, फिर अपना काम बन जाएगा। फिर भाई जो हमने रास्ते में वो लगा रखा ना, पेड़ लगा रखे मैंने अपने एंट्री में, तो मैं भाई ये वाले पेड़ लगाऊंगा वहाँ पे। ये वाले पेड़ काफ़ी ज़्यादा झकास लगेंगे भाई वहाँ, तो पहले मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे इसकी सैपलिंग मिलती है फिर मैं यहाँ से निकाल लूँगा सैपलिंग लेके, फिर हम यहाँ से देख लेते हैं कोई डेजर्ट है अपने के आसपास सामने हो सकता है। यार ओशन मोनूमेंट्स, ओशन मोनूमेंट कह रहा हूँ मैं, ओशन वाले जो स्ट्रक्चर्स है ना भाई, यार उसमें भी मुझे एक भी नहीं मिला यार वो। एक मिनट, सैपलिंग गिरी शायद, एक सैपलिंग गिरी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, एक नहीं दो दो गिर गई है, तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं, इसकी जगह मैं सैंड गिर देता हूँ। ठीक है, इसकी सैपलिंग मुझे मिल चुकी है, दो मिल चुकी है, दो से अपना काम आराम से बन जाएगा भाई, एक से बन जाता क्योंकि फिर हम उस पर बोन मिल डाल डाल के भाई उसको बड़ा कर देते और अब यहाँ से निकला जाए। लेकिन जो भी कहो भाई, बायोम थोड़ा सा बड़ा होता ना तो और भी ज़्यादा देखने में मस्त लगता, लेकिन वैसे भी काफ़ी मस्त लग रहा है छोटा सा भी। बस जितने भी रॉकेट्स थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, बस यही 14 रॉकेट्स बचे हैं, तो अब हम और आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं वापस आ गया अपने कासल और अब मैं जा रहा हूँ भाई अपने क्रीपर फार्म पे, क्योंकि यहाँ पे हमें होना है AFK। एक बार मैं जाके नीचे देख लेता हूँ कि अपने पास कितना गन पाउडर पड़ा है, क्योंकि अब मुझे काफ़ी सारे बनाने पड़ेंगे और इस बार तो भाई कुछ ज़्यादा बनाऊँगा मैं, ताकि हम जाके ना काफ़ी सारे, कुछ नहीं है भाई एक भी नहीं है, काफ़ी सारे फिर हम क्या कहते हैं जगह जाके एक्सप्लोर कर पाए, इसलिए मैं बहुत सारे रॉकेट्स बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा फटाफट से AFK। तो अभी मैं थोड़ी देर तक AFK जाता हूँ, ठीक है, ताकि काफ़ी सारा गन पाउडर अपने पास इकट्ठा हो। हो गया, तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है AFK हुए हुए और एक सीन और हो गया है भाई, जो क्रीपर था यहाँ फट गया, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरी जो स्कैफोल्डिंग लगी थी ना भाई, सारी की सारी तहस नहस होगी, इतनी सारी स्कैफोल्डिंग थी। अब वैसे भी इसका कोई काम नहीं था, हम तो उड़ के ही जाते थे, इसके इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, लेकिन अपने पास गन पाउडर देखो काफ़ी सारा हो चुका है, अब इसके लिए ना मुझे काम करना पड़ेगा, अपना शल्कर बॉक्स मुझे लेके आना पड़ेगा यार मेरे पास, लेकिन रॉकेट और बचे नहीं है भाई। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से ना ये वाले जो काम की चीज़ें अभी नहीं है ना यार, मैं लेके आता हूँ, चलो अभी चल के ना जो एक शल्कर बॉक्स है मैं खाली करता हूँ, फिर उसको लेके आता हूँ। ठीक है, अभी मैं एक शल्कर बॉक्स लेके आ चुका हूँ और इसमें जो अपना ये वाला सामान है मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो अपने गन पाउडर है ना वो निकाल लेते हैं। देखो इसमें भी अपने पास 7-8 स्टैक आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें भी 7-8 स्टैक है, तो गन पाउडर तो अपने पास काफ़ी सारा हो चुका है भाई, इससे काफ़ी सारा जो क्या कहते हैं पेपर रॉकेट है ना वो बन जाएंगे। और अभी इसमें से जो काम की चीज़ें ना बस मैं वो अपनी इन्वेंट्री में रखने वाला हूँ। एक टोटम रख लेते हैं, ब्रश रख लेते हैं, एक और टोटम रख लेते हैं। ठीक है, बाकी गन पाउडर सारा इसी में जाएगा, एरो भी रखनी है हमें और कुछ चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। अब एक काम करते हैं, एक क्रीपर वर मरने की आवाज़ आ रही है भाई, ये आ रहा है, इधर आ जा, ये ले। ठीक है, थोड़ा सा और गन पाउडर इनसे मिलेगा, दो और 4, चलो अब निकलते हैं। और पेपर की तो कोई दिक्कत नहीं है भाई अपने पास, तो यार इतनी खेती हो रखी है ना भाई गन्ने की, पूछो ही ना, बहुत ज़्यादा खेती है, इधर भी है उधर भी है। तो सबसे पहले मैं इधर देख लेता हूँ, इस वाले में इनमें क्या पट रखा है, इनमें तो बेकार सामान पट रखा है। यार एक काम करता हूँ, यार बोटल्स है ना, वाटर बोटल मैं ये भी ले लेता हूँ। ठीक है, इनकी मदद से ना भाई मैं पोशन बना लूँगा, और नाइट विजन पोशन है वो अपने काम आएगा, क्योंकि अभी मैंने देखा कि जो वॉर्म ओशंस है ना उसमें हमें एग के चांसेस है कि हमें एग मिल सकता है स्नीफर का, उसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वॉर्म ओशंस में वो उसमें हमें चांसेस है कि मिल जाएंगे, तो मैं इसलिए नाइट विजन पोशन अपने साथ लेके जाने वाला हूँ। चलो अभी इससे काम करते हैं फटाफट से, रुको पेपर बना लेता हूँ मैं काफ़ी सारे। ठीक है, ये बन गया अपने पेपर 64, उसके बाद रॉकेट बना, एक मिनट रॉकेट के लिए गन पाउडर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं पेपर ही बना लेता हूँ इनके, जितने पेपर बनते हैं ना, पेपर वाला कहाँ गया वो, ये ना पेपर, इसके पेपर बना लेते हैं जितने बन रहे हैं बस। और अब निकालते हैं इसमें से अपने गन पाउडर। ठीक है, ये मैं बुक इसमें डाल देता हूँ, ये भी लॉग इसमें रख देते हैं, सैपलिंग्स भी रख देते हैं और ये भी इसमें रख देते हैं। ठीक है, अब फटाफट से बना लेते हैं ढेर सारे रॉकेट, ये आ चुके हैं, इसकी जगह मैं इस, अच्छा मैं बोतल उसमें से ऑटोमेटिकली आ जाएगी ना, तो मैं इस बोतल को इसमें डाल देता हूँ। लो भाई, इसमें कुछ पड़ा है क्या भाई, पोशन ऑफ स्ट्रेंथ है और पोशन ऑफ वीकनेस है, इनका कोई काम नहीं है। अब निकलो भाई, अब यहाँ से हम सीधा जाने वाले हैं ओशन, बारिश स्टार्ट हो चुकी है और पता है हम कौन से ओशन जाएंगे भाई, जो वो होता है ना क्या कहते हैं, एक देखो एक लूक वार्म ओशन होता है, एक होता है वार्म ओशन, तो हमें जाना है वार्म ओशन में, क्योंकि वहीं पर वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उसमें ओशन में, तो हमें वहीं पर मिल सकते हैं। तो मैंने एक वार्म ओशन, नहीं यार सॉरी इधर नहीं, इधर चलते हैं, क्योंकि उधर ना एक लूक वार्म ओशन है और हमें चाहिए वार्म ओशन, तो इसके लिए ना मैं इधर जाने वाला हूँ, क्योंकि पीछे तो दूसरा ओशन है, उधर कोई मैंने देखा नहीं है और सामने भी नहीं है, तो इस साइड जाते हैं। वैसे भी इस साइड में भाई बहुत कम गया हूँ यार,
ओके तो भाई मैं ढूंढ के आ रहा था और मुझे देखो कौन सा बायोम मिल चुका है भाई, एक मशरूम बायोम जो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, मुझे वो वाला बायोम मिल चुका है। एक मिनट से कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें, देखो मैं कितनी दूर आ चुका भाई, 6377 और हमारा जो वो है ना कासल है वो यहाँ से मतलब हम लगभग 6000 ब्लॉक्स की दूरी पे आ चुके हैं और यहाँ पे आके मुझे एक मशरूम बायोम मिल चुका है भाई। एक मिनट इसके मैं वो ले लेता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, ठीक है कोऑर्डिनेट्स का स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। भाई यार क्या ढूंढ रहे हम, क्या मिल गया। देखो यहाँ पे काफ़ी सारी जो मशरूम काउज है ना वो भी है भाई, बहुत सारी है यहाँ पे। तो एक मिनट इनका मैं यार अब वहाँ मैं नहीं ले जा सकता भाई इनको, भाई ये बहुत कठिन जॉब है भाई, इनको वहाँ ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इनका थोड़ा सा हम मिल्क ले सकते हैं, इधर इधर ये देखो ये थोड़ा सा मिल्क पी लेते हैं इनका, इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा सा मिल्क हो ही जाए। अब वापस ले लो अपना ये पानी और एक बार ऊपर से मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला बायोम। ये देखो भाई क्या झकास लग रहा है, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। ये देखो भाई सब क्या मस्त लग रहा है यार बायोम, भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एक मिनट ये वॉर्म मोशन है क्या, एक सेकंड। फिर यहाँ पे मुझे वो भी मिल सकता है यार, काश मिल जाए प्लीज़, मिल तो जाना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं एक चेस्ट पे पड़ी है फिशिंग रॉड है इसमें यार, ये तो शिप रैक में भी कुछ मिलने लग गया क्या, मतलब मिलेगा क्या देख लेते हैं चेस्ट। ओ स्मिथिंग टेम्पलेट, ये क्या है भाई, तो नई चीज़ है, ये ले लो। एक लेदर की वो पड़ी लेकिन वो नहीं चाहिए मुझे भाई। यार इसमें से भी मिलता है इसका मतलब आइटम, यार मैंने कितनी शिप रैक मिस कर दी बताओ, इसके चक्कर में मैंने कितनी शिप रैक मिस कर दी कि मुझे लगा कि शिप रैक में कुछ नहीं मिलता, लेकिन यार तो भाई शिप रैक में भी मिल गया मुझे यार, काफ़ी मस्त सी चीज़ मिली है। इसका यूज़ क्या है, स्मिथिंग टेम्पलेट कोस्ट ट्रिम आर्मर ट्रिम, भाई इसको मैं अपने आर्मर पे लगा सकता हूँ। तो आखिरकार इतने ज़्यादा देर तक भटकने के बाद मुझे एक ऐसा डेजर्ट टेम्पल मिल गया जहाँ पे हमें जो सस्पिशियस सैंड है वो देखने को मिल सकती है। अब देखो जो ऐसी वाली सैंड होती है ना, ठीक है मतलब जहाँ जैसे टेम्पल के अंदर आते हैं हमें साइड साइड में जो बनी होती है भाई उसमें मिलता है, अभी मैंने चेक करा तो उसमें मिलता है, मैं साइड साइड में डिग कर ही जा रहा था तो यहाँ पे देखो एक मिनट ये थोड़ी अलग लग रही है ना, वेट ये देखो इन सबसे थोड़ी अलग लग रही है, वेट अपनी टॉर्च निकाल के मैं यहाँ लगाता हूँ सबसे पहले। ये देखो ये थोड़ी सी ना अलग अलग मुझे लग रही है, सस्पिशियस लग रही है, तो इसको काम करते हैं। ये सस्पिशियस सैंड है लेकिन इसमें से TNT निकल रहा है यार, बहुत ही घटिया चीज़ निकली है सही में। एक मिनट रखो इसको ना मुझे इसको करना पड़ेगा क्लियर। TNT मिल गया क्या, हाँ TNT मुझे मिल गया और दो मुझे और मिले थे ये कोस्ट आर्मर ट्रिम। और एक काम करते हैं साइड में यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे हो सकता है तो ना अभी मुझे भाई ध्यान से करना पड़ेगा कहीं मेरे हाथ से ना जो सस्पिशियस सैंड है ठीक है वो ना टूट जाए, इसलिए मैं काम करता हूँ शवल से तो मैं रह नहीं देता हूँ मैं, क्योंकि शवल से बहुत जल्दी टूट रहा है ना, तो मैं एक एक हिट मारता हूँ ऐसे ठीक है। एक ये आ गए हम तो क्यों टूट रहा है, एक ईरी इसको भी करते हैं, इसमें से क्या निकलेगा, वेट ये निकल रहा है, ये क्या मिला मुझे एक सेकेंड, सामान इतना ज़्यादा हो चुका है, स्टिक को हटाओ भाई। ये मिल गया मुझे ये प्राइज पॉटरी शॉर्ट, चलो ठीक है बहुत बढ़िया, ये भी बढ़िया चीज़ है। ऐसे मुझे और भी चाहिए, इनसे भी कुछ ना कुछ बनता ही है। एक ये भी सस्पिशियस लग रही है मुझे, एक मिनट इसको भी करके देखते हैं, ये भी सस्पिशियस है, इसमें से एक और निकल रहा है, ये वाला भी सेम ही है क्या, अलग अलग होते हैं शायद, ये सेम ही है भाई ये, लेकिन यहाँ पे हमें और भी ज़्यादा जो सस्पिशियस, एक तो भाई शश निकले जा रहा है मुँह से, सस्पिशियस सैंड और भी मिल सकती है, ये भी है, इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से एमरल्ड निकल रहा है यार, चलो कोई बात नहीं। क्या डेजर्ट टेम्पल मैंने लूट लिया है और अब बारी है इस पिलेजर आउटपोस्ट को लूटने की, उसमें से ज़्यादा मुझे कुछ खास मिला नहीं है, इसमें देख लेते हैं कुछ मिल जाए। ओके स्मिथिंग टेम्पलेट सेंट्री आयरन आर्मर ट्रिम, चलो भाई कुछ तो अच्छा मिल रहा है। इसको मैं रख लेता हूँ इसकी जगह, इसको रख देते हैं अपने पास। और क्या चाहिए हमें, कैरेट मुझे चाहिए यार, इसको ना पता कैरेट क्यों चाहिए मुझे ना, इसके वो बनाने हैं मतलब इसे फार्मिंग करनी है, कैरेट अपने पास है नहीं तो गोल्डन कैरेट बनाने के काम आएंगे ये, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए यार। एक चीज़ मैं और मिस कर रहा हूँ, एक चीज़ मैंने और मिस कर दी जो कि है इस टेंपल के नीचे की लूट, ऊपर का तो मैं भाई लूट लिया वहाँ से, जो सैंड थी सस्पिशियस सैंड थी वो तो मैंने लूट ली, यहाँ तो नहीं ना नीचे कोई भी नहीं, चलो फटाफट यहाँ पर लगाते हैं एक टॉर्च, इसको हटाते हैं, इसमें देखते हैं कुछ स्वीपिंग एज नहीं चाहिए, एक गोल्डन एप्पल ठीक है ये दे दो तुम,
इसको हम रख लेते हैं इसकी जगह, बाकी यहाँ पे थॉर्न्स और इसमें ओ लेट्स गो ड्यून आर्मर ट्रिम। नाइस भाई, बहुत बढ़िया, हमारी मेहनत सफल हुआ है भाई, काम आ रही है हमारी मेहनत, मतलब रंग ला रही है। तो इसको हम रख लेते हैं, इस सैंड के बदले रख लेता हूँ मैं। एक और गोल्डन एप्पल पड़ा है, एक डायमंड भी पड़ा है, इसको भी उठा लेते हैं। चलो भाई शुक्र है, कम से कम कुछ ना कुछ हमें काम की चीज़ तो मिल रही है। ओके फाइनली भाई, ये स्निफर का एग ही था भाई, मुझे लगा कोई कोई और ही चीज़ है, और लेकिन ये स्निफर का एग है। लेकिन इसी खुशी में भाई एक बुरी चीज़ भी हो चुकी है यार, मेरा शल्कर बॉक्स कहाँ चल गया भाई, मेरा शल्कर बॉक्स मैंने खो दिया भाई कहीं यार, शिट भाई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, स्निफर का एग मुझे मिल गया। अरे जब मैंने ये करा ना डिग भाई, मुझे पता नहीं लगा कि वो एग है, मुझे लगा कुछ और चीज़ है वो, बट आखिरकार स्निफर का एग मेरे हाथ लग चुका है, और अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। मेरा शल्कर बॉक्स मैंने पता नहीं कहाँ छोड़ा, मुझे याद भी नहीं है यार, अब तो मुझे याद भी नहीं है उसका कि मैंने छोड़ा कहा है उसका, इसलिए अब उसको भूल जाओ, अब यहाँ से निकलो। ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ भाई, मैं एक बार ना ठीक है एक बार ना मैं वीडियो को वापस देख सकता हूँ कि मैंने छोड़ा कहाँ पर भाई। एक सेकेंड, ये क्या भाई, ये जीले ट्री बीचों बीच पानी के, ये तो अलग ही सिस्टम है भाई, बीचों बीच पानी के लग रखा है जीलिया ट्री। बट अभी एक मैं काम करता हूँ, वीडियो को ना एक बार मैं पॉज करके ना दोबारा रिवाइंड करके देखता हूँ कि आखिरकार मैंने अपना वो जो था ना छोड़ा कहाँ पे भाई, अपना शल्कर बॉक्स। लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, 24,261 है शायद से, कि यार मुझे वापस तो नहीं देखना पड़ेगा, वेट अरे ऐसे ही कुछ है वो, ये है शायद वो यहाँ पे है, मेरे हिसाब से यही है, मेरे हिसाब से यही है। नहीं भाई यार यही था, ओ ये रहा मिल गया भाई, शल्कर बॉक्स भी आखिरकार मिल गया, शुक्र है भाई साहब, शल्कर बॉक्स मेरे हाथ लग गया। ये इसको हम रखेंगे, ये सैंड हटाओ और शल्कर बॉक्स उठाओ भाई जल्दी जल्दी। अबे इसने दोबारा उठा ली, ये एमरल्ड गेयर दो, ये उठा लेते हैं भाई साहब, सब कुछ मिल गया, अब हमें जो जो चाहिए था ना वो सारा सामान अभी मुझे मिल चुका है भाई, किस्मत देख लो। मैंने वहीं पर वो लिया था उसका, मतलब कोऑर्डिनेट्स मैंने चेक करे थे। लेकिन चलो अब यहाँ से बारी है निकलने की, अभी 24,000 ब्लॉक्स हमें दूर जाना है, तब जाके हम अपने कासल पे पहुँचेंगे। लेकिन 24,000 ब्लॉक्स को ट्रैवल करने के लिए अपने पास काफ़ी सारे रॉकेट है। ओके तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने कासल, और सबसे पहले हम वही काम करने वाले हैं भाई जिसके लिए हमें इतना ज़्यादा टाइम लगा, स्निफर का जो एग है हम उसको यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं, ताकि वो स्निफर भाई उस एग में से स्पॉन हो, और उसको ऐसे कोई ऐसी जगह नहीं होती मतलब कि हमें उसको वहाँ पर रखना, मतलब कोई वो नहीं है कि हमें उसे एक ही जगह पर रखना है, हम कहीं भी शायद से उसको रख सकते हैं, और वहीं से वो उसका जो अंडा है ना वो हैच हो जाएगा, ऐसे ऐसी होना चाहिए। ठीक है मैं काम करता हूँ, इसको मैं कहाँ पे प्लेस करूँ, हम ना इसको यहाँ पे बीकन के पास प्लेस कर देते हैं। ठीक है यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। ठीक है मैंने इसका अंडा जो है वो प्लेस करते हैं, और अब पता नहीं कितने टाइम बाद जो स्निफर है वो इसमें से निकलेगा, इसके लिए और कुछ तो नहीं करना पड़ता ना भाई, मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा बस इसको ऐसे छोड़ देना हमें, और इसके बाद इसमें से जो स्निफर है वो निकल जाएगा। चलो हम थोड़ी देर वेट करते हैं, और जब तक इस अंडे में से स्निफर निकलता है तब तक मैं एक काम कर लेता हूँ भाई, हमें जो आर्मर ट्रिम्स मिले हैं ना उनको मैं अपने आर्मर्स पे लगा लेता हूँ। ठीक है तो उसके लिए मुझे अपना जो स्मिथिंग टेबल है वो चाहिए, तो अपना जो स्मिथिंग टेबल है वो पड़ा है यहाँ पे, एक मिनट मुझे वो भी चाहिए होगा ना, क्या बोलते हैं इसको, नेदरराइट, तो नेदरराइट तो मेरे पास बधेरा पड़ा है भाई, नेदरराइट किस में रखा मैंने, इन चेस्ट में रखा शायद, हाँ देखो ये एंशियंट डेब्रीज है नेदरराइट के, वो नहीं है नहीं भाई, एक काम करते हैं इनको निकाल लेता हूँ मैं। और एक मुझे ट्राइडेंट भी मिला था भाई, ट्राइडेंट भी मुझे मिला है, इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, इसको मैं इसलिए यहीं पे रख देता हूँ। ठीक है और इस नेदरराइट से ना एक मिनट रुकना, तो इसमें नेदरराइट का एक ही स्क्रैप पड़ा है, इसको भी निकाल ही लेते हैं। ठीक है और अब चलते हैं हम फटाफट से, इस जो एंशियंट डेब्रीज है ना यार, इसको ना मैं वहाँ पर जाके स्मेल्ट करता हूँ, क्योंकि वो जो अपनी स्मेल्टिंग मशीन है ना वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ठीक है तो उसमें जल्दी से स्मेल्ट हो जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें अपना भाई बहुत जल्दी काम हो जाएगा, तो फटाफट से भी इसके ऊपर। ठीक है और इसको हमें डालना है
इसमें इसमें नेदर ब्रिक पड़े, ठीक है। इसको मुझे डालना इसके अंदर, और ये देखो भाई बहुत जल्दी अपना जो काम है वो हो जाएगा, और थोड़ी देर में ही हमें जो अपने नेदराइट के इंगट है वो मिल जाएंगे। यार मुझे गोल्ड भी चाहिए ना, मेरे पास गोल्ड नहीं है, तो गोल्ड के लिए ना मुझे काम करना पड़ेगा। मैंने एक चेस्ट में रखे थे गोल्ड, तो वो देखना पड़ेगा, इधर ही किसी चेस्ट में होना चाहिए वो। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस शल्कर बॉक्स में भी नहीं है। ये रे 62 ब्लॉक बने भाई, बतेरे आपके पास गोल्ड के ब्लॉक। तो एक काम करते हैं, इन गोल्ड के ब्लॉक से ना, सबसे पहले एक मिनट रुको ना यार, मैं थोड़ा सा सामान इसमें रख देता हूँ, जैसे कि ये गन पाउडर डाल देते हैं, ये रोटन फ्लैश तो फेंक ही दो, ठीक है। उसके बाद ये डोर भी मैं इसमें रख देता हूँ, बोट भी रख देते हैं, और ये स्टोन की प्रेशर प्लेट, ठीक है। और अब इनके मदद से ना मैं थोड़े से बना लेता हूँ ये। चलो आप फटाफट चलते हैं और अपने जो एंशिएंट डिब्रीज से जो हमें नेदरराइट के इंगट मिलेंगे, ठीक है, उसको निकाल लेते हैं। मिल गया क्या? 63 मिले भाई, एक स्क्रैप आ रहा है क्या? ओ भाई बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, 63 मिले, एक स्क्रैप पता नहीं कहीं अटक चुका है, पर चलो कोई बात नहीं। हमें काम करते हैं, मेरा क्राफ्टिंग टेबल, भाई मैं हर बार कहीं ना कहीं क्राफ्टिंग टेबल अपना भूल ही जाता हूँ। ये पड़ा है क्राफ्टिंग टेबल, तो इसकी मदद से मैं फटाफट बना लेता हूँ ये। चलो कितने 16 बन चुके हैं अपने पास, ठीक है 16, ठीक है चलो कोई बात नहीं। और अब हम चल के इसकी मदद से अपने जो आर्मर्स हैं उनको और भी ज़्यादा बढ़िया हम बना लेंगे, देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेंगे, ठीक है। ये सब सामान चाहिए होता है ना इसके लिए, नेदरराइट का इंगट, और अपने पास वो ट्रिम्स तो पड़े ही हैं। तो ये रहा अपना स्मिथिंग टेबल, तो मुझे डालना है सबसे पहले एक तो ये वाला है सेंट्री आर्मर ट्रिम। इन दोनों में से बढ़िया वाला कौन सा, मतलब रेयर कौन सा भाई, ये डाल के देखता हूँ मैं एक बार। उसके बाद इसमें अपनी चेस्ट प्लेट डालते हैं, और एक हम डालते हैं इसमें, ये डाल दूँ क्या? अभी एक मिनट, ये तो भाई वही हो जा रहा है, क्या फ़ायदा क्या हो रहा है, ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा इसमें। अगर अच्छा मैं गोल्ड डालूंगा तो ओके 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 ओके, क्या बात है भाई, ये तो झकास लग रहा है यार, कितना मस्त चमक रहा है ये। साइड साइड में गोल्ड की लाइन आ गई इसके, लेकिन गोल्ड नहीं, मैं इसमें और भी चीज़ें डाल सकता हूँ यार, देखो लैपिस भी डाल सकता हूँ मैं, ये एमिथिस्ट भी डाल सकता हूँ। अरे इन सब से ट्राई करते हैं, रुको 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 रुको, इन सबको भी डाल के देखते हैं। तो मेरे पास लैपिस वगैरह तो नहीं है, रेड स्टोन भी डाल सकता हूँ क्या मैं, एक बार मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले एक मिनट ना, ये सब सामान इसमें डाल दो, सबसे पहले थोड़ी सी इन्वेंटरी खाली करो भाई, बहुत ज़्यादा सामान हो चुका है। अरे ये निकल दो, ठीक है। और इसमें मैं ये भी रॉकेट भी डाल देता हूँ थोड़े से, और ये भी डाल देते हैं, ठीक है। लापिस नहीं पड़ा, मैं रेड स्टोन से भी होता है क्या, रेड स्टोन भी ले लेता हूँ। और अपने पास लापिस एक भी नहीं है भाई, एक भी लापिस नहीं है अपने पास, चलो कोई नहीं, और काम करता हूँ एक आदमी और देख लेता हूँ। नहीं यार लापिस अपने पास है ही नहीं, तो लापिस की जगह ना मैं कुछ और भी लगा सकता हूँ, जैसे कि एमरल्ड वगैरह। तो एमरल्ड तो मेरे पास पड़ा होगा, एमरल्ड तो यार होना चाहिए, और डायमंड भी है, डायमंड भी लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या है गोल्ड, एक मिनट रुकना, एमरल्ड शायद से मैंने इसमें रखा, ये रहे एमरल्ड अपने, ठीक है। अब चलते हैं, अब जो उनसा बढ़िया लगे ना हम वही अपने आर्मर्स में लगा लेंगे यार। लेकिन इनको ना डबल भी कर सकते हैं पता है भाई, लेटर की हेल्थ कितनी कम है, इसको निकालो भाई, वेट इसको निकाल ही लो, सब सबको ही निकाल लो। इनको मैं डबल भी कर सकता हूँ, तो ये अपने पास दो है ना, तो हम इनको और भी ज़्यादा बना सकते हैं। मेरे पास डायमंड कितना 38 है ना, तो एक मैं काम करता हूँ, रुको इनको डुप्लीकेट करके देखते हैं ये डुप्लीकेट कैसे होंगे। तो डुप्लीकेट करने के लिए ना मुझे सबसे पहले इसको रखना पड़ेगा यहाँ, और ऐसे रखना पड़ता है शायद, एक और नहीं ऐसे नहीं भाई, यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा इसको डुप्लीकेट करने का, हाँ डुप्लीकेट होता है मैंने देखा था। ये रहा देखो, तो ऐसे इसके लिए मुझे ये चाहिए, सैंडस्टोन चाहिए मुझे, और ये वाला अगर मुझे बनाना है तो इसके लिए कोबलस्टोन चाहिए। ऐसे दोनों में से कौन सा बढ़िया लग रहा था एक बार ना मैं ये लगा के देखता हूँ अपने, ये वाला ठीक है। और एक हम डालते हैं गोल्ड, गोल्ड रुको डायमंड डाले, ओह क्या बात है भाई, क्या बात है, ये तो अल्टीमेट लग रहा है यार। रुको अगर इसको निकाल के अगर मैं ये वाला यहाँ रखता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा मतलब ये, लेकिन यार ये वाला मस्त लग रहा है ना, रुको वाला काफ़ी बढ़िया लग रहा है, रुको मैं इसमें निकाल कर रखता हूँ। यार दोनों सेम ही लग रहा है क्या, नहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मैं काम करता हूँ ये वाला बना लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इनको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, तो डुप्लीकेट करने के लिए मुझे कोबलस्टोन चाहिए, तो कोबलस्टोन तो अपने पास पड़ा होगा, कोबलस्टोन तो अपने पास काफ़ी सारा, ये जाओ 31 इसमें ही पड़ा है, ठीक है। एक डायमंड और पड़ा, ये भी निकाल लेते हैं हम, और अब फटाफट से जाके
मैं इनको कर देता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये रहे, कितने बन जाएंगे, दो बन रहे हैं, तो हम बना लेते हैं दो, ठीक है। उसके बाद ये दो और बन जाएंगे चार, ठीक है। तीन अपने पास हो चुके हैं, कितने हो गए अपने पास, पाँच हो गए, ठीक है। तो पाँच का हम काम करते हैं, इनको डालते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक अपनी जाएगी, सबसे पहले हेलमेट को करते हैं, डायमंड डालेंगे हम, ठीक है। ये डायमंड हो गया, क्या बात है, क्राफ्टिंग और न्यू लुक, बहुत बढ़िया। उसके बाद आएगी अपनी चेस्ट प्लेट, फिर अपनी लेगिंग्स, लेटरा नहीं कर सकते, और अपने बूट्स। चलो भाई, अब इनको पहन के अगर देखा जाए तो एक दो तीन और ये चार, ओहो क्या बात है भाई, काफ़ी तगड़ी लुक आ रही है यार। देखो क्या मस्त लग रहा है अपना बंदा, गाजर हटाओ हाथ में से, ये भी हटाते, और ऐसे देखो यार चमक क्यों नहीं रहा ये इतना ज़्यादा। वेट एक मिनट रुको ना, ये ऐसा लग रहा है भाई, चमक नहीं रहा भाई, उसमें तो चमक रहा था अपना आर्मर यार। देखो इन्वेंट्री में ना, ये देखो इन्वेंट्री में कितना मस्त चमक रहा है यार, अगर ऐसे चमकता हुआ दिखता फिर तो मस्त था भाई, लेकिन ऐसे भी बढ़िया लग रहा है, ऐसे भी ना सही लग रहा है। मैं काम करता हूँ, रुको सबसे पहले इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 85 मैंने कर दिया इसको। और अब मैं चाहे तो इसको ये वाला भी चढ़ा सकता हूँ, लेकिन छोड़ो रहने देते हैं, यही वाला ठीक है। मैं काम करता हूँ, इलेक्ट्रा मुझे रिपेयर करना पड़ेगा भाई, बीच रास्ते में जब मैं आता ना, दो बार मेरा इलेक्ट्रा ख़राब हुआ, दो बार, दो या फिर तीन बार हो गया होगा। फिर जब रात होती है मैं मॉब्स को मार मार के अपना इलेक्ट्रा रिपेयर करवाता था, क्योंकि काफ़ी कम टाइम लेता है भाई इलेक्ट्रा, काफ़ी कम एक्सपी लेता है इलेक्ट्रा। फिर इसमें संडे में से तो अभी निकला नहीं यार, बारिश की वजह से इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। तो भाई इसके ऊपर बिजली बुजली नहीं करनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ मैं इसको भाई, ढक देता हूँ, रुको एक मिनट भाई, कहीं बिजली बुजली गिर गई तो अपना अंडा ख़राब हो जाएगा। ये इतनी मेहनत लगी भाई, तीन चार घंटे लगे मुझे इसको ढूंढने में, थोड़ा सा कवर कर देते हैं, नहीं थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और स्पेस देनी पड़ेगी हमें, यहाँ से लगाते हैं इसको, ऐसे करते हैं, थोड़ी सी स्पेस बढ़ा दी जाए ना, ब्लॉक्स ख़त्म हो चुके हैं। एक मिनट, कोई नहीं गोल्ड लगा देते हैं, कोई चक्कर नहीं भाई, गोल्ड की कमी थोड़ी है अपने पास, हो गया। बस ऊपर से मुझे इसको कवर करना है, एक बार नहीं इतना बहुत है, ठीक है। अब यहाँ से इसको कर देते हैं कवर, हम चलो ये कवर हो चुका है। अब इस पर भाई बिजली वगैरह कुछ नहीं गिरेगी, ठीक है, अब ये बिल्कुल सुरक्षित है। और इसको अब हम वैसे ये वाले तो तोड़ ही देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ऊपर हमने रख दिया ना, तो बिजली गिरने का कोई चांस ही नहीं है, इनको हटा ही दो। बस अब मैं वेट ही करने वाला हूँ, इसके पास ही खड़ा हो जाऊँगा मैं, ठीक है। और जैसे ही ये आएगा भाई वैसे हम इसको देखेंगे, और ये अपने काफ़ी ज़्यादा काम का है यार, काफ़ी ज़्यादा काम का है स्निफर अपने। और तब तक हम एक काम कर लेते हैं यार, मैं पहले सो ही जाता हूँ, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, पहले सो जाते हैं, ठीक है। सुबह उठ के फिर मुझे वो जो ट्रीज़ मैं लेके आया ना, उसकी सैपलिंग्स जो लेके आया हूँ मैं, वो लगानी है, तो वो ना यहीं पे लगेगी। देखो ये जो पेड़ लगा रखे ना मैंने, यहीं पे लगेगी, और उसके लिए मुझे ये वाले पेड़ यहाँ से हटाने पड़ेंगे। एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ भाई, ठीक है, इनको यहाँ से निकाल देते हैं। चलो दो चार और रह चुके हैं, उनके भी लीव्स को फटाफट यहाँ से हटाओ, ठीक है, सारे मैंने हटा दिए। और अब मैं काम करता हूँ, शल्कर बॉक्स निकालते हैं, ठीक है। शल्कर बॉक्स में सैपलिंग्स ये रही, उसके बाद सैपलिंग्स आएगी अपनी यहाँ पे, ठीक है, सैपलिंग होगी। और अब ना इसके, रुको मुझे बोन मिल लेके आना पड़ेगा, एक काम करते हैं पहले बोन मिल लेके आता हूँ मैं। लाइटरा यार, ये रिपेयर करवाना है मुझे, लाइटरा मुझे अभी रिपेयर करवाना पड़ेगा, लेकिन चलो कोई नहीं, तब तक मैं जाके अपने जो ट्री फार्म है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा बोन मिल पड़ा होगा, अपना ट्री फार्म तो वर्क करता नहीं है, तो सारा बोन मिल वैसे ही पड़ा है भाई, तो इसलिए मैं जाके उसको निकाल लेता हूँ। तो अभी मैं काफ़ी सारा बोन मिल लेके आ चुका हूँ, और अब इस बोन मिल को हम मारेंगे इसके ऊपर। एक मिनट, पहले ये साइड से मुझे हटाना पड़ेगा ना, इनको हटा देते हैं, इसको भी हटा ही देता हूँ मैं, इनको तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो, अब मार दे इसके ऊपर बोन मिल, उग जा, क्या बात है भाई, ओह क्या बात है भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया यार, इतना बड़ा नहीं भाई, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा। लेकिन देखो ये जो इस पे से जो पेटल्स गिर रहे हैं ना इसके, ये काफ़ी ज़्यादा मस्त है यार, ये नीचे ज़मीन पे क्यों नहीं टिक रहे, मैं टिक जाओ यार, अरे ऐसा ना करो यार, ये इस पे टिकेंगे ना तो नीचे जो परत सी बन जाएगी ना वो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगी, लेकिन ये बन नहीं रही है। एक मिनट रुकना, ये क्या हो गया, मेरा शल्कर बॉक्स कहाँ, ये रहा ना शल्कर बॉक्स में से, काम करता हूँ ये निकालता हूँ मैं पिंक पेटल्स, उनको अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ और इसके ऊपर अगर मैं बोन मिल मारूँ तो ये बढ़ रहा है,
ओहो, क्या बात है। ये देखो मुझे इसमें से मिल रहे हैं भाई ये। रुको इसको यहाँ लगा देते हैं, एक ठीक है, दो दो लगा, नहीं दो नहीं तीन, चार चार लगा देते हैं। इससे यहाँ पे भी ये हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा, तो ऐसे रहेंगे ना तो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेंगे ये। चलो हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, मैंने अभी इनकी थोड़ी सी भाई कटिंग करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ी सी कटिंग कर देंगे इनकी, जैसे ये वाले थोड़े छोटे छोटे हैं ना वैसे मैं इसको बना दूंगा, नहीं तो ये भाई बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। या फिर मैं ऐसे ही कर दूँ, मैं कम कम पेड़ लगा दूँ, फिर वैसे मैं थोड़ा ना गैप दे के लगा सकता हूँ, मतलब कि एक पेड़ मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, ये वाला पेड़ मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, लेकिन सैपलिंग ना सबसे पहले मुझे, एक मिनट रुको, सैपलिंग मुझे पहले काफ़ी सारी चाहिए होगी ना, तो सैपलिंग मैं यहाँ पे लगाता हूँ। स्निफर आया? अभी तक नहीं आया। सैपलिंग यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, इस पर बोन मिल मारते हैं, और ये अपना पेड़ आ चुका है ना, तो अब मैं काम करता हूँ, इससे मैं काफ़ी सारी सैपलिंग से ठीक करने वाला हूँ। तो सारी लॉग्स हटा देते हैं ताकि जो लीव्स है वो डिस्पॉन हो जाए, और हमें जो सैपलिंग्स है वो मिल जाए। ठीक है, सारी लॉग्स मैंने यहाँ से हटा दिए, और अब ये वाली लॉग गई, इसके बाद यहाँ पे जो दो चार लॉग है इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, सारी लॉग्स मैंने हटा दिया, और धीरे धीरे करके पूरा पेड़ डिस्पॉन हो जाएगा, और हमें फिर काफ़ी सारी जो सैपलिंग्स है वो मिल जाएगी, जिसके हमें ज़रूरत है। लेकिन भाई ये काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है यार, ये देखो एक सैपलिंग मुझे मिल भी चुकी है, तो इसको हम रख लेते हैं किसकी जगह, स्टिक हटा दो, सैपलिंग ले लो। ठीक है, और अब इस सैपलिंग को ना एक दो दो पेड़ छोड़ के तीसरे पेड़ पे लगाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे इसको, ये हटाओ सबसे पहले यहाँ से। शीयर्स होते ना फिर काफ़ी जल्दी हो जाता, बट शीयर्स बनाने पड़ेंगे अभी, उसके लिए आयरन मुझे लेके आना पड़ेगा। यहाँ से इसको हटाओ, एक ये भी हटा दो। ठीक है, दो मैंने हटा दिए, और अब लगाते हैं सैपलिंग। ठीक है, सैपलिंग रख के यहाँ पे, उसके बाद मारेंगे इसके ऊपर बोनमिल। अरे यार इसको भी तो हटाना है, थोड़ा सा ज़्यादा हमें स्पेस देनी होती है ना। चलो अब मारते हैं इसके ऊपर, ये देखो ये अपना पेड़ आ चुका है, ये थोड़ा सा टेढ़े में आया भाई यार, वैसे आना चाहिए था यार, ये तो टेढ़ा सा आ गया, ऐसे अजीब सा लग रहा है भाई, ऐसा पेड़ चाहिए मुझे, इसका एंगल ही चेंज हो गया यार। देखो इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा यार, इस पेड़ को ऐसे हटाना पड़ेगा, इस पेड़ को मैं ऐसे हटाता हूँ। ठीक है, फिर मैं सारे ना वैसे ही लगाऊंगा। ओके, अभी फाइनली जो स्निफर है भाई वो आ चुका है, और ये स्निफर का बेबी है। हाँ, तो स्टार्टिंग में बेबी होगा मतलब, लेकिन भाई मैं वो ना ये लीव्स काट रहा था, लेकिन उतने में जब मैंने पीछे मुड़ के देखा भाई स्निफर आ गया। भाई साहब क्या मस्त लग रहा है यार ये, यार इसको अब वो खिलाने पड़ेंगे हमें, तो जो टॉर्च फ्लावर होता है ना शायद से वही खाता है, लेकिन वो तो मेरे पास है नहीं, वो तो ये खुद ही वो करेगा भाई, डिग करेगा तब हम मुझे मिलेगा भाई। देखो क्या मस्त है यार ये, चल भाई शुरू हो जाए यार, अपना काम करना शुरू कर, तू काम करेगा तभी तेरे को भोजन ही मिलेगा भाई, और कुछ नहीं खाता ना शायद से, ये वही खाता है यार, मेरे पास तो वो है नहीं। अब मुझे वेट करना पड़ेगा एक मिनट को, पहले मैं सो जाता हूँ, नहीं तो कोई अटैक कर देगा मेरे ऊपर। लेकिन सबसे पहले सो जाता है, लेकिन भाई यार कितना मस्त है यार स्निफर, ये मेरे पास ही आ रहा है, इसको भी सोना लग रहा है। मैं सुबह होगी भाई यार, तो अपना काम शुरू कर दे यार, और कुछ नहीं खाएगा क्या ये, गाजर खा लेगा? गाजर नहीं, गाजर भी नहीं खाएगा, और अपने पास तो कुछ है भी नहीं इसको खिलाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, ये अभी भटकता रहेगा, ठीक है, जब तक ये बड़ा नहीं होता ना अपने आप, तब तक भाई ये ऐसे ही रहेगा, मतलब मुझे लग रहा है तब तक ये काम नहीं करने वाला। देखो ये इतनी देर से भाई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला जो पेड़ है वो मैंने गायब कर दिया है, और इससे मुझे काफ़ी सारी सैपलिंग्स मिल चुकी है, तो इस सैपलिंग्स को ना मैं दोबारा लगा के देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं सेंटर में, और अब इसके ऊपर वापस से मारते हैं बोनमिल। ठीक है, वापस से बोनमिल मारते हैं बस। बे यार उधर का भी गायब ही नहीं हुआ था, इतने में मैंने लगा ही दिया इसको। ये वाला पेड़ बिल्कुल सही होगा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी इसको भी मुझे काटना पड़ेगा, वो लीफ मैंने हटने नहीं दी ना, मुझे लगा वो हट गया वहाँ से। चलो कोई नहीं, अब ये काम करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ मैं, इस वाले ब्लॉक को। ठीक है, एक यहाँ पे भी, एक अंदर भी है भाई, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये भी डिस्पॉन हो जाएंगे, और मैं सोच रहा हूँ ये तो जो मैंने नीचे लगा रखे ना एजिला के लीव्स, तो मैं इनकी जगह ना भाई ये लगा दूंगा, ये वाले जो अपने पास ये वाले लीव्स पड़े ना चेरी लीव्स, मैं खाली यही लगाऊंगा भाई, ये मस्त लग रहा है यार देखने में, देखो क्या झकास लग रहा है भाई ये देखने में। लेकिन अभी ये पेड़ वगैरह सब मुझे हटाने हैं, तो बस उसके लिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं हटा दूंगा, और फिर काफ़ी ज़्यादा मस्त लगेगा। स्निफर कहाँ गया अपना? देखो ये रहा भाई, ये बिल्लियाँ इससे डर रही है क्या? इधर आए चापली, इधर आए, इधर इधर, मेरे से भी डरती है भाई ये स्निफर से, तो और डरेगी मुझे लग रहा है। लेकिन भाई जो भी कहो, ये है काफ़ी ज़्यादा मस्त यार, है अल्टीमेट भाई अपना स्निफर, तो क्या मस्त लग रहा है यार अपना स्निफर।
बट चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा बड़ा होने देते हैं ठीक है, उसके बाद ही अपना काम स्टार्ट करेगा। गोल्डन कैरेट खाएगा क्या, खिला के देखूं भाई गोल्डन कैरेट क्या पता है खा ले ये ले। नहीं भाई गोल्डन कैरेट भी नहीं खाएगा ये ऐसे ही रहेगा भाई, अपने आप ही बड़ा होने देते हैं इसको। तो ठीक है गाइस, आज के वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा फटाफट से जाके फॉलो कर लो, और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।